कर्नाटक से प्रियंका जैन की जिज्ञासा है। महाराज जी, मन में हमेशा डर बना रहता है, डर को भगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मन शांत हो? क्या हमें नमोकार मंत्र का जाप करने से आंतरिक शांति मिल सकती है? कृपया समाधान। देखो, डर की एक परिणति जो है, अपने जीवन में एक ऐसी परिणति पालना चाहिए, क्यों डरते हैं? कहीं ना कहीं से अपराध की स्थिति में आते हैं। या तो तुम्हारी आत्मा ने कोई अपराध कर डाला है, उस कारण से वह आत्मा बार बार डरती है। उज्जवर कुंदकुंद भगवान ने श्री समय सार में कहा कि अपराधी ही डरता है, निरपराधी कभी नहीं डरता। तो कोई अव्यक्त अपराध तुमसे हुआ है जिसके कारण आत्मा कांपती है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा महामंत्र है, नमोकार मंत्र है ही। सब लोगों के लिए एक और छोटे छोटे मंत्र तो ये विशेष होते हैं, जैसे अभी हमने शांतिनाथ भगवान का मंत्र दिया, बीजाक्षर का मंत्र, ये सब विशेष कहलाते हैं। इनके लिए विशेष समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, साधना चाहिए। सबसे बढ़िया नमोकार मंत्र है, और नमोकार मंत्र सभी प्रतिष्ठा पाठों में, सूर्य मंत्र तक की शक्ति इसमें होती है। कुछ बीजाक्षर जुड़ जाते हैं, जो मंत्र अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ आगे पीछे बीजाक्षर जुड़ने से यही सूर्य मंत्र बन जाता है। अनेक सूर्य मंत्रों में एक सूर्य मंत्र ये भी है, लेकिन इसके साथ और भी जोड़ना पड़ता है। और यह मंत्र जो है बिल्कुल सामान्य, हर परिस्थिति में यदि ये मंत्र तुम्हारे पास है तो तुम्हारा देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वह मंत्र बिल्कुल शांति के साथ जब तुम्हारे लिए हो, बहुत अच्छी तरह आँख बंद करके, ध्यान बैठ करके, कितनी भी तुम्हारे ऊपर चारों तरफ विपत्ति है, आँख मत खोलो, आप तो नमोकार मंत्र में चले जाओ। और पूरा नमोकार मंत्र जो माना जाता है मंगल सहित, मंगल पाठ भी साथ, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहूर्णम, चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, इबिली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। ये है पूरा मंत्र। नमोकार मंत्र एक अलग है। नमोकार मंत्र को विशेष मांगली करने के लिए, नमोकार मंत्र को विशेष संस्कारित करने के लिए, नमोकार मंत्र में पुट देने के लिए चत्तारी दंडक साथ में पढ़ना चाहिए। जाप अलग चीज है, जाप तो आप नमोकार मंत्र ही करिए। जब ऐसी स्थिति आ जाए जब तुम्हारे लिए कोई भय, डर या कोई मांगलिक, नमोकार मंत्र को मांगलिक करना है, तो आप उसके साथ बहुत धीरे धीरे
चत्तारी दंड पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र को भी बहुत धीरे धीरे पढ़ो, नमो अरिहंतार्णम, धीरे धीरे नमो सिद्धार्णम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूर्णम। ऐसे पढ़ो तुम लोग बहुत जल्दी। मंत्र को एक एक अक्षर मंत्र है उसमें। 35, 16, 56 आदि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा नमोकार मंत्र आदि में इनमें एक एक अक्षर भी मंत्र है। पूरा ही मंत्र नहीं है, आ भी मंत्र है, रा भी मंत्र है, ई भी मंत्र है, हा भी मंत्र है, जो बिंदी है वह ना भी मंत्र है, ता भी मंत्र है, णम भी मंत्र है, और अंत में जो नम में बिनती लगी वो भी मंत्र है सब। तो जब ऐसे मौके कभी आपको आ जाए, जब आपको कोई मांगलिक करना हो, मान लीजिए कि आपके बच्चे का जन्म है, जैसे हमने कहा था गंधोदक दे रहे, अब गंधोदक के साथ में ये मंत्र पढ़ दो पहले धीरे से, और बच्चे के कान में पढ़ दो, वो सुन रहा है, वो समझेगा कुछ नहीं, कान का बैठे बैठे कोई कान में लगा के मुंह लगा के नहीं पढ़ना, यानी धीरे से उसको नमोकार मंत्र और मांगलिक सुना दो। आपके घर में कोई घर में नागल किया है, प्रवेश कर रहे हो, आप जो पाठ मैंने पढ़ा इतना पाठ कर करके आप प्रवेश कर जाइए। आपने गाड़ी खरीदी है, आप ये पाठ पढ़ लीजिए। आप कोई जंगल में आप फंस गए हैं, आप इस प्रकार के धीरे धीरे उच्चारण अंदर अंदर करो, जोर से नहीं निकल रहा है मुंह से तो मन निकलो, बहुत धीरे धीरे नमोकार मंत्र पढ़ो। जाप अलग चीज है और नमोकार मंत्र के स्मरण अलग चीज है, और नमोकार मंत्र की उच्चारण अलग चीज है। तो जब आपको ऐसे भय आदि स्थिति बनती है, आप बिल्कुल धीरे धीरे लयबद्ध, जितना आप पुलुत में खींचोगे उतना ही आपका भय, उतने ही ज्यादा एनर्जी दूर तक जाएगी। जैसे आपने एक बार देखा होगा कि जो तुम्हारे मोबाइल की टोन बजती ना घंटी, पास में जाती है तो अलग बजती है और दूर जाती है तो, हाँ दूर वजह से कई बार लोगों घंटी बजती तो बहुत तेज बजती, मैं कमरे में देखता रहता हूँ घर जाते, तो मन की बड़ी तुम्हारी घंटी तो बहुत तेज बजती, बोले महाराज ये बहुत दूर की है, बेंगलोर की। तो जब दूर को ऐसा ही, जब आपको दूर रेकी भेजना है, बहुत दूर भेजना है, आप बहुत दूर हैं और आप यहाँ हैं और आपका मरीज बॉम्बे हॉस्पिटल में है और आप यहाँ से उसको भेज रहे हैं, तो आप उसी घंटी के समान, मोबाइल की घंटी के समान नमो अरिहंतार्णम, नमो सिद्धार्णम, इस प्रकार से पांचों अक्षरों को, पांचों मंत्रों को जितना आप लंबा खींच सके, आपकी श्वास ना फूले, जितना आपको सहज में उतने ही आप एड़िए, उसकी रेज, उसकी एनर्जी उतनी ही दूर तक जाएगी। तो जब आपको इस प्रकार की स्थिति बनती है तो आप नमोकार मंत्र को बहुत पुलुत में, पुलुत कहलाता है, जितना आप पुलुत में खींचेंगे आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी शुरू होगी और आपका जो भय है वो आपका दूर हो सकता है। और इसको सभी में लगा लेना। आज एक प्रश्न के माध्यम से तो मैं एक महामंत्र की विधि सिखा दी। मंत्र तो तुम्हें आता था, मंत्र तो तुम्हें आता था, लेकिन उसकी विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे इसको जागृत किया जाए, तो 36 दंडक जरूर इसके साथ पढ़ना चाहिए।